बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रो फिश। आप कोई सी भी फिश लें जो कांटे वाली हो, आप उसको इस रेसिपी के ज़रिए बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्राई फिश करने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यहाँ देखिए कि हमने इसको बाज़ार से बड़े बड़े पीसीस में कटवा लिया है। इसको हमने अच्छी तरह वाश किया। वाश करने के बाद हमने इसमें नमक और सिरका, ये दो चीज़ें हमने लगा के इसको छोड़ दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने क्या किया है कि जो सिरका है, जो पानी, वो सब फेंक दिया है और हमने इसे साफ टूटी के पानी से दोबारा से वॉश किया है। यहाँ भी हमने इसका मसाला रेडी किया जो हमने फिश पे फ्राई करते लगाना है। बेसन मैंने लिया है 1 कप, नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अजवाइन, इन सब चीज़ों को हमने बेसन में ऐड किया और एक अंडा ऐड किया था। इसको पानी से हमने, ये देखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, पतला पतला सा होगा ना, बहुत पतला हो ना ही गाढ़ा हो। अब हमने ये रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, फिश के एक एक पीस को हम लेंगे इस मिक्सचर के अंदर, उसको हम लोग डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम उसे फ्राई करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तकरीबन 5 मिनट में आपकी जो फिश है वो फ्राई होगी। उसके बाद मिलते हैं। इसके जो स्लाइस थे हमने उनको बेसन में डिप किया और इसमें डाल दिया। आंच को हम लोग स्लो रखेंगे ताकि जो फिश है वो अच्छी तरह अंदर से कुक हो। जैसे ही एक साइड गोल्डन होगी तो मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की हमारी ये फ्राइड फिश रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।